भारतीय रेलवे लगातार एक से एक बढ़कर कई नए कीर्तिमान बना रहा है। रेलवे नेटवर्क की बात करें तो भारत 100 साल पहले जो था वो आज नहीं है। ट्रेनों की स्पीड में सुधार के साथ आने वाले 4 साल के भीतर पूरा रेलवे नेटवर्क 100% बिजली से चलने लगेगा और इसके साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाएगा। दोस्तों, भारत एक से एक नवे ऐसे हथकंडे अपना रहा है जिससे रेल नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और रेल के अंदर यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इस भागदौड़ की दुनिया में। और जब बात हो रही हो रेलवे नेटवर्क की और ट्रेनों की, तो वंदे भारत एक्सप्रेस इस ट्रेन को कैसे भूल सकते हैं हम। यही वजह है कि अब यह ट्रेन धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही है। यात्रियों का सफर पहले से अब काफी आसान हो चुका है और ऐसे में बुलेट ट्रेन का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भारत में बुलेट ट्रेन के लिए जापान की तरफ से फुल सपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार यह ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। इसके लिए कई किलोमीटर क्षेत्र में हाई स्पीड से चलने वाला रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। लगभग 400 किलोमीटर का कॉरिडोर जमीन के ऊपर बनाया जाएगा और 26 किलोमीटर का कॉरिडोर जमीन के अंदर। यह ट्रेन गुजरात दादर से होकर महाराष्ट्र तक गुजरेगी। कैसे काम करती है बुलेट ट्रेन, कैसे चलती है इतनी स्पीड में? दोस्तों, बुलेट ट्रेन की सारी बोगियां आपस में जुड़ी होती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो आम ट्रेन होती हैं उनकी बोगियां अलग अलग होती है, पर जो रिजर्वेशन कोच होता है वो आपस में जुड़ा होता है। ठीक ऐसे ही जो बुलेट ट्रेन होती है उनका डब्बा आपस में जुड़ा हुआ होता है। बुलेट ट्रेन में एक टैक्सन मोटर लगा होता है और यह ही टैक्सन मोटर और इस टैक्सन मोटर को ज़्यादा से ज़्यादा बोगियों के पहियों में जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से यह कम समय में ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है। दोस्तों, सामान्य ट्रेनों की तरह इस ट्रेनों में ना तो कोई दूसरा इंजन जोड़ा जा सकता है, ना कोई कोच का डब्बा, और इन ट्रेनों में संचालन और नेटवर्क से जुड़ी सभी चीज़ें कंप्यूटराइज होती हैं। इसके लिए कई तरह के खास सेंसर लगे होते हैं जिसमें इस ट्रेन की रीडिंग का पता चलता है। बुलेट ट्रेन के आने से क्या होगा फ़ायदा? दोस्तों, भारत में बुलेट ट्रेन आने से कई तरह के टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जब बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी तो इसके कई पार्ट पुर्जे भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे मेक इन इंडिया का विस्तार होगा और रोजगार बढ़ेगा। कई लोगों को नवे रोजगार मिलेंगे। हमारे देश के इंजीनियर इन सबको एक दूसरी टेक्नोलॉजी पर काम करने को और समझने को मिलेगा। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि क्या बुलेट ट्रेन हमारे भारत में चलनी चाहिए। धन्यवाद।